आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्टफोन टैबलेट। एकाना स्टेडियम में सीएम योगी करेंगे वितरण, सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में, जिलाधिकारी ने कहा। 130 संस्थानों के विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, 60,000 से अधिक छात्र छात्राएं करेंगे प्रतिभाग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्टफोन टैबलेट। एकाना स्टेडियम में सीएम योगी करेंगे वितरण, सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में, जिलाधिकारी ने बताया। 130 संस्थानों के विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, 60,000 से अधिक छात्र छात्राएं करेंगे प्रतिभाग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्टफोन टैबलेट। एकाना स्टेडियम में सीएम योगी करेंगे वितरण, सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में, जिलाधिकारी ने बताया। 130 संस्थानों के विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, 60,000 से अधिक छात्र छात्राएं करेंगे प्रतिभाग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आज विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्टफोन टैबलेट। एकाना स्टेडियम में सीएम योगी करेंगे वितरण, सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में, जिलाधिकारी ने बताया। 130 संस्थानों के विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, 60,000 से अधिक छात्र छात्राएं करेंगे प्रतिभाग। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, काफी समय से ये इस बात का ऐलान किया जा चुका था कि स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे विद्यार्थियों को, ताकि वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सके, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सके, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सके। इस वजह से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने का वादा किया गया था, जो अब पूरा होने वाला है। आज एकाना स्टेडियम में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, एटीएम मशीन और पैसा सुरक्षित, जांच में जुटी बीकापुर कोतवाली पुलिस। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, एटीएम मशीन और पैसा सुरक्षित, जांच में जुटी बीकापुर कोतवाली पुलिस। अयोध्या से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एटीएम में लगी है आग, एक्सिस बैंक का एटीएम बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। और अयोध्या से इस खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट या कोई और कारण भी हो सकता आग लगने का? आपको बता दें, पूरा मामला जो है वो देर रात का है, और ये जब वहां तो ये बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और आज पे काफी मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया गया है, और जबकि जो एटीएम के इंजीनियर और वहाँ बैंक पहुंच उन्होंने ये देखा कि एटीएम और पैसा जो है वो सुरक्षित पाया गया है। जी बिल्कुल, अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ जांच कर रही है? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस जब उसके बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड वालों से जांच करके पूछताछ की है कि ये आग कैसे लगी है, उनको किस जगह से शॉर्ट सर्किट हुआ है जी, इलेक्ट्रिक कैबल से। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट जो है वो पुलिस जो है वो किस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे अयोध्या से। अयोध्या में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, बाइक सवार महिला समेत दो लोगों की मौत। थाना सेनाही के सतीचौरा का मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, बाइक सवार महिला समेत दो लोगों की मौत।
थाना सेनाही के सतीचौरी के एनएच के पास का ये मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में हुआ है ये भीषण सड़क हादसा, कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो चुकी है, बाइक सवार महिला समेत दो लोगों की मौत बताई जा रही है। थाना सेनाही के सतीचौरा के NH27 का मामला, अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार ने बाइक को टक्कर मारी जिसमें दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बाइक सवार महिला समेत दो लोगों की मौत, NH27 के पास का मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, कहां का है ये मामला? ये चौराहा पड़ता है, ये वही का मामला है जहां मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने एक लड़के को अचानक पीटना शुरू कर दिया। जब तक लोग समझ पाते तब तक जो है उस लड़के को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर वो लोग फरार हो गए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस महकमा ज्यादा है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ओम शंकर जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे। रायबरेली में दबंग के हौसले हुए बुलंद, बाइक सवार दो युवकों ने मारी दो युवकों ने की मारपीट, सरयाम एक युवक को जमकर पीटा गया, घायल युवक को बाइक पर बैठा कर हुए फरार। घटना का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे का मामला, कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पे हुई छापेमारी, पीयूष जैन के पैतृक आवास पर पड़ा छापा, लगभग 5 घंटे तक चली छापेमारी। छिपटी मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के पैतृक आवास पर पड़ा छापा, लगभग 5 घंटे तक चली छापेमारी। छिपटी मोहल्ले का मामला बताया जा रहा। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के पैतृक आवास पर पड़ा छापा, में इत्र कारोबारी के घर पे छापेमारी हुई है, पीयूष जैन के पैतृक आवास पर बड़ी छापेमारी की कार्यवाही की गई। बड़ी खबर सामने आ रही है, लगभग 5 घंटे तक चली छापेमारी। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के साथ एक अन्य व्यापारी पर कसा शिकंजा, इत्र व्यापारी राधु मिश्रा के घर पर हुई छापेमारी, घर में ताला लगाकर जांच में जुटी थी। कई अन्य कारोबारियों के घर पर छापा पड़ सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर पर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के साथ एक अन्य व्यापारी पर भी कसा शिकंजा, इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के घर पर हुई छापेमारी, घर में ताला लगाकर जांच में जुटी पुलिस। कई अन्य कारोबारियों के घर पर भी पड़ सकता है छापा। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर पर छापेमारी हुई है, कई और व्यापारियों के ऊपर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बाकी अन्य व्यापारियों के घर पे भी छापेमारी हो सकती है। कानपुर पुलिस को मिली हाई विजिबिलिटी जैकेट,
नगर निगम ने कमिश्नरेट पुलिस को दी 1000 जैकेट। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में दी गई जैकेट। पुलिस कर्मियों के लिए वरदान बनेगी जैकेट। धुंध और कोहरे में ट्रैफिक पुलिस को मिलेगी मदद। कानपुर पुलिस को मिली हाई विजिबिलिटी जैकेट। नगर निगम ने कमिश्नरेट पुलिस को दी 1000 जैकेट। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में दी गई जैकेट। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला सामने आ रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। 17,000 पदों पर दी जाएगी भर्ती। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामला सामने आ रहा है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। 17,000 पदों पर की जाएगी नई भर्ती। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामला, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक चोरी और दो डकैती का हुआ खुलासा। डकैती में चार आरोपी गिरफ्तार, पांच फरार। मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। मौके से नकदी समेत चोरी के गहने भी हुए बरामद। रामपुर के टाना थाना क्षेत्र का मामला। रामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक चोरी और दो डकैती का हुआ है खुलासा। डकैती में चार आरोपी गिरफ्तार, पांच लोग फरार। मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। मौके से नकदी समेत चोरी के गहने हुए बरामद। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह। बड़ी खबर सामने आ रही है, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे राजनाथ सिंह। डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। 26 दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह। 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे राजनाथ सिंह। डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। 26 दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज लखनऊ आएंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। AIFTP के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 26 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। CBDT चेयरमैन, CBIC चेयरमैन भी होंगे शामिल। यूपी कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन भी रहेंगे शामिल। आज लखनऊ आएंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। AIFTP के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 26 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन। CBDT चेयरमैन, CBIC चेयरमैन भी रहेंगे मौजूद। यूपी कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन भी रहेंगे साथ। सुल्तानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। संघ कार्यालय पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। संघ कार्यकर्ताओं से स्मृति ईरानी ने की मुलाकात। नगर के पास है संघ कार्यालय। सुल्तानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। संघ कार्यालय पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। संघ कार्यकर्ताओं से स्मृति ईरानी ने की मुलाकात। नगर के पास है संघ कार्यालय। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।